व्यक्ति ने अभी बताते हुए गुजरात सरकार से अविलंब रिहा करने की मांग की है। जेएस के राष्ट्र प्रभारी लोकेश मुजालदा ने कहा कि तीन आदिवासियों की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के दमनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक जागरूकता को दबाने के उद्देश्य से ये गिरफ्तारी की गई है। जेएस ऐसी फर्जी गिरफ्तारी का विरोध करता है। संविधान के प्रति जागरूक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी देश में न्याय तंत्र के साथ खिलवाड़ जैसा है। जेएस ने कुक्षी अनुविभागीय अधिकारी महोदय को राष्ट्रपति के नाम गुजरात राज्यपाल और पुलिस महानिदेशक गुजरात के नाम ज्ञापन सौंपा और यह मांग की है कि जल्द से जल्द तीनों को रिहा किया जाए, अन्यथा पूरे भारत देश में कर्मबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे। आज कुक्षी एसडीएम महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें यह मांग की गई कि अभी हाल ही में गुजरात पुलिस द्वारा पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़ी नेत्री और संविधान के जानकार बबीता कश्यप एवं दो अन्य साथी बिरसा ओरैया सामू ओरैया को एटीएस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के पश्चात उनको कहा गया कि वह नक्सली हैं जबकि वह पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, वह संविधान की बात करते थे। आज हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनको जो अपमानित किया गया है नक्सलाइट शब्द बोलकर उन्हें उसकी भी माफ़ी मांगे।